आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे 50 इयर्स ओल्ड जो मेल्स हैं उनको यूरिनेशन करने में दिक्कत आती है, तो इसका एक कारण बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में जो मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज के हैं। तो आज इस वीडियो से हम समझेंगे कि इस बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में होता क्या है। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए हम ये समझते हैं कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ग्लैंड होता है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और इसके बीच से एक यूरेथ्रा जारी होती है, यानी कि तुम सोच सकते हो कि एक पाइप जारी है जिसमें से स्पर्म्स और यूरिन दोनों पास करते हैं। बेनाइन मतलब ऐसी ग्रोथ जो कैंसर तो नहीं है पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की। प्रोस्ट्रेटिक हाइपरट्रोफी मतलब प्रोस्ट्रेट की ग्रोथ होना। तो बेनाइन प्रोस्ट्रेटिक हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, और क्योंकि ये ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है और इसके बीच से यूरेथ्रा जा रही थी तो ये यूरेथ्रा दब जाएगी और हमारा यूरिन इस यूरेथ्रा में से ढंग से नहीं निकल पाएगा। एक सेकेंड रुको दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद तो आ रही है पर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो चलो अब वीडियो पे वापस चलते हैं। इसमें पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा और वो बार बार वॉशरूम जाएगा और वो अपने यूरिन को रोक नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा थोड़ी भी देर के लिए, और पेशेंट को यूरिन को स्टार्ट करने में और रोकने में दिक्कत आएगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड होता है और उससे आगे यूरेथ्रा कनेक्टेड होता है और उस यूरेथ्रा की मदद से हम यूरिन पास आउट करते हैं। लेकिन क्योंकि BPH के पेशेंट्स में सारा यूरिन पास आउट ही नहीं हो पा रहा, तो बार बार वॉशरूम जाने के बाद भी पेशेंट को ऐसी फीलिंग आएगी कि अब भी उसका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पेशेंट के जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो गई है उस चक्कर में जो बीच का यूरेथ्रा है जिससे यूरिन पास आउट होता है वो कंप्रेस हो गया है, और इस चक्कर में यूरिन सारा नीचे पास आउट हो ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ यूरिन ऊपर ही रह जाएगा। इसके लिए डॉक्टर आपको ऐसी दवाई देगा जिससे आपका प्रोस्ट्रेट और नहीं बड़ा होगा, जितना है उतने पे ही रुक जाएगा। दूसरी चीज़, डॉक्टर आपके प्रोस्ट्रेट के कुछ पार्ट को कट भी कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, जिससे कि आपका यूरेथ्रा वापस से खुल जाएगा और आपको यूरिन करने में दिक्कत नहीं आएगी। पर मोर देन 90% केसेस में क्या होता है कि जिस पेशेंट की सर्जरी हुई है वो स्टेराइल हो जाता है, मतलब अब वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा।